वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लो डाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। करीना कपूर खान ने कंप्लीट किए 20 इयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। फाइनली अनाउंस हुई सूर्यवंशी और 83 की रिलीज डेट। जैकलीन फर्नांडिस ने सडनली क्यों लिया सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस से मुंबई लौटने का डिसीजन। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 की रिलीज डेट हुई कंफर्म। एक सिनेमा चेन ने किया कंफर्म, फाइनली फिल्म के मेकर्स ने दिवाली और क्रिसमस की रिलीज डेट को कर दिया है कंफर्म। जहां अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर करेगी धमाका, वहीं रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 से बॉक्स ऑफिस पर सेलिब्रेट किया जाएगा क्रिसमस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अक्षय कुमार की सूर्यवंशी एक लार्जर देन लाइफ फिल्म है और रिलीज से ठीक 10 दिन पहले पैंडेमिक की वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे और फिल्म की रिलीज डेट को इनडेफिनेट टाइम के लिए पुश कर दिया गया था। कई बार स्पेक्युलेशन सामने आई कि बाकी बिग फिल्म्स की तरह शायद इस फिल्म के मेकर्स भी अपना ले ओटीटी का रास्ता, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने साफ किया था कि सूर्यवंशी जैसी फिल्म एक थिएटर रिलीज ही डिजर्व करती है। इससे पहले रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 के डायरेक्टर कबीर खान ने भी कंफर्म किया था कि उनकी टीम को एक बहुत बड़ा अमाउंट ओटीटी के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। कबीर सेड, 83 इज अ फिल्म दैट हैज बीन एनविजन्ड एंड मेड टू बी एक्सपीरियंस्ड ऑन द बिग स्क्रीन। And we are ready to wait for things to get normal and then release it in cinemas. वैसे इन दो बड़ी फिल्म्स को छोड़ दें, तो बाकी किसी बड़ी फिल्म के थिएटर में रिलीज होने की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वहीं रिसेंटली अजय देवगन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट ने अनाउंस किया, गुड न्यूज तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, इस बार मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बिग न्यूज, एंटरटेनमेंट बिल्कुल नए स्टाइल में। It's also very interesting. It's also new actually, and it's super exciting. Missing Friday releases ka hoga the end. I can't wait to share this big news with you guys. Did I already say that? Okay, I think I'm nervous. Ki unki big ticket films like Lakshmi Bomb, Bhuj the Pride of India aur Sadak 2 OTT platform par release hongi. Well, sources का कहना है कि बॉलीवुड के सभी फिल्म मेकर्स ने पैंडेमिक के शुरुआती एक महीने तक ओटीटी का रुख नहीं किया था, लेकिन अब जबकि उन्हें ये पता नहीं कि थिएटर्स के खुलने की अप्रूवल कब तक मिलेगी, ऐसे में वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखकर ओटीटी का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म सूर्यवंशी और 83 के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को फाइनल तो कर लिया है, लेकिन अभी भी उन्हें गवर्नमेंट से फाइनल अप्रूवल का इंतजार रहेगा। बट एवरीवन इज होपिंग कि ईयर एंड तक हालात सामान्य हो जाएंगे और थिएटर्स में फिल्म्स फिर से रिलीज होने लगेंगी। गवर्नमेंट ने लगाया बैन ऑन 59 चाइनीज एप्स, लेकिन सिर्फ टिकटॉक के बैन होने पर बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन इंडस्ट्री के सेलेब्स कर रहे हैं रिएक्ट। मलाइका अरोरा ने जहां गवर्नमेंट के इस डिसीजन को किया है सपोर्ट, वहीं ज्वेलरी डिजाइनर फारा खान अली ने इस न्यूज पर पोस्ट किया है सार्कास्टिक मैसेज। वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली चाइनीज एप्स को बंद करने के अपने फैसले से सबको चौंका दिया। गवर्नमेंट का कहना है, द एप्स आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order. और इसे लेकर ज्यादातर सेलेब्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। सबसे पहले देखिए, म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने गवर्नमेंट के डिसीजन का मजाक बनाते हुए लिखा है, बैनिंग एप्स इज टू चाइना व्हाट ताली दियाज वर टू। इट सीम्स विशाल इस डिसीजन से नहीं है खुश। वहीं फारा खान ने पोस्ट किया है डिटेल ट्वीट्स, जहां उन्होंने शेयर किए हैं हर पॉइंट्स ऑफ व्यू। फारा ने सबसे पहले लिखा, चाइना चेंजिंग मैप्स, इंडिया बैनिंग एप्स। आगे फारा ने अपने ट्वीट में ऐड करते हुए लिखा,
If we are to compete with the world's largest manufacturer, we better be well equipped to do so before we decide to ban everything Chinese. Because the fact is that something in everything is made in China. Action without thought will lead to more problems. We need brains, not emotions. Well, Farah to government ke decision se puri tarah agree nahi karti. Lekin Malaika Arora is excited with this news and she said, "Best news I've heard in lockdown. Finally, we will not be subjected to people's ridiculous videos." Richard Chadha shared an Amrish Puri meme on Twitter and wrote, "We can always uninstall apps. Shom shom shamo shasha. Hashtag definitive action." Vahi Nikitan Dheer hailed the government for banning TikTok in India and called it a good start. He also wrote a note on his Instagram stories justifying the decision. It read, "It's so funny that so many people are saying apps ban karne se kya hoga? Well, it's a start. A start to cutting off revenue, spyware, malware, etc. And MS asking why we don't attack China. It just shows how ignorant you are. Army doesn't need our advice on how to. If you have not read, a lot of industrial contracts have been cancelled. Be patriotic. It's cool. Thodi apni bhi akal lagao. Jai Hind." Vahi television actress Nia Sharma wrote on Twitter, "Thank you for saving our country. This virus named TikTok should never be allowed again." Kamya Punjabi also hailed the government and tweeted, "Superb. At PMO India, excellent news. Hashtag Jai Hind. Hashtag boycott Chinese products. Hashtag boycott Chinese apps." Well, Chinese apps ke ban ko lekar mixed responses aa rahe hain. वहीं TikTok के representatives का कहना है कि वो government से मिलकर अपने point of view को रखेंगे and they are hoping for positive outcome. Jacqueline Fernandez ने अचानक सलमान खान के farm house से मुंबई लौटने का लिया फैसला. Jacqueline ने जल्दबाजी में मुंबई लौटने का लिया ये decision. आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3 महीने से जो जैकलीन रह रही थी इन सलमान खान फार्म हाउस वो अचानक मुंबई लौट आई हैं? Well, sources का कहना है इसके पीछे है एक सीरियस इशू. जैकलीन को ये डिसीजन अपने एक फ्रेंड की वजह से लेना पड़ा है. जी हाँ, जैकलीन फर्नांडिस को जैसे ही पता चला कि उनका एक करीबी मुंबई में डिस्ट्रेस सिचुएशन में है, उन्होंने मुंबई लौटने का फैसला कर लिया. सोर्सेस का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जैकलीन का एक फ्रेंड काफी डिस्ट्रेस फील कर रहा था और जैकी को ये न्यूज उनके कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चली और उन्होंने तुरंत सलमान खान और अपने फ्रेंड्स को पनवेल फार्म हाउस से कहा अलविदा और वो आ गई मुंबई. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, जैकलीन हैड अ कन्वर्सेशन विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर्स हु हैड बीन स्टेइंग इन मुंबई ऑल अलोन ड्यूरिंग द लॉकडाउन. दे बोथ आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड ओवर द कन्वर्सेशन शी फाउंड आउट दैट हर फ्रेंड वाज डिस्ट्रेस्ड. जैकी एज सून एज शी गॉट इंकलिंग अबाउट हाउ डिस्टर्ब्ड हर फ्रेंड हैड बीन ट्रैवल्ड फ्रॉम पनवेल एंड वुड बी स्टेइंग विद हर. शी विल बी स्टेइंग बाय हर साइड ड्यूरिंग दीस टाइम्स व्हेन शी नीड्स अ फ्रेंड द मोस्ट. जैकलीन का ये डिसीजन काबिले तारीफ है. आखिर लॉकडाउन के बीच जिस तरह की नेगेटिव खबरें आ रही हैं, ऐसे में एक फ्रेंड ही दूसरे फ्रेंड की मदद कर सकता है. स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद से मेंटल हेल्थ को लेकर लोग काफी बातें कर रहे हैं और दीपिका पादुकोण ने तो एक कैंपेन शुरू किया हुआ है जिसमें शी इज आस्किंग एवरीवन टू टॉक टू ईच अदर एंड स्टैंड बाय ईच अदर. बता दें, जैकलीन फर्नांडिस, सलमान खान, उलिया वेंटूर और कुछ दोस्तों के साथ पनवेल फार्म हाउस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थीं. यही नहीं, उन्होंने सलमान खान के साथ एक स्पेशल सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया था जिसे फैंस ने किया था काफी ज्यादा पसंद.
Well, इस लॉकडाउन के बीच टाइम स्पेंड करने के लिए सलमान खान के फार्म हाउस से बेहतर जगह नहीं हो सकती थी, लेकिन अपने फ्रेंड के लिए जैकलीन ने लिया बड़ा डिसीजन टू कम बैक टू मुंबई। Absolutely lovely, and I think she's one of those very graceful and dignified people. I always see her, and I feel that, you know, yaar, matlab ek kalakar ho to aisi ho, wife ho to aisi ho, maa ho to aisi ho. You know, she's the epitome of a perfect woman, and hamesha mujhe bahut protsahit karti hai. Because she's like the most entertaining human being I've ever met in my life. She just did films. She just did film after film after film, and even today she's just doing film after film after film. बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक करीना कपूर खान ने इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं 20 साल 20 इयर्स इज यू नो आई थिंक इट्स लेस आई एम फीलिंग फैबुलस करीना ने एक इमोशनल पोस्ट के साथ इस बिग न्यूज को अपने फैंस के साथ किया शेयर एंड नाउ इवन बेबो के फैंस इस खास ओकेजन को कर रहे हैं सेलिब्रेट करीना कपूर खान ने अभिषेक बच्चन के साथ जेपी दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी से अपने बॉलीवुड करियर को शुरू किया था और अपनी इसी फिल्म की एक पिक्चर को शेयर करते हुए करीना ने अपने पोस्ट में लिखा माय फर्स्ट शॉट वाज एट 4 AM आई वोक अप दिस मॉर्निंग एट 4 लुक्ड इन द मिरर एंड सेड टू मायसेल्फ दैट दिस वाज द बेस्ट डिसीजन आई कुड हैव एवर टेकन 20 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क डेडिकेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस I am extremely grateful to all my fans for all your love, support and strength. Thank you, hashtag JP Datta for my life in the movies, at Bachchan for being the sweetest co-star, and every single person involved in this film want to go back in time. Hashtag 20 years and not giving up. करीना कपूर खान इज डेफिनेटली नॉट गिविंग अप एनी टाइम सून और ऐसा हो भी क्यों आज भी बेबो है इंडस्ट्री की वन ऑफ द टॉप एक्टर्स करीना कपूर खान ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत भले ही अपनी सुपरस्टार सिस्टर करिश्मा कपूर की शैडो के तले की हो लेकिन अपने टैलेंट और पैशन फॉर सिनेमा की वजह से कुछ ही समय में करीना ने प्रूव कर दिया दैट शी इज बॉर्न टू बी अ सुपरस्टार एक्ट्रेस रिफ्यूजी में करियर शुरू करने के बाद करीना अब लगभग 62 फिल्म्स में काम कर चुकी हैं और जिस अंदाज में उन्हें उनके फैंस का सपोर्ट मिला है वो बिना सेंचुरी मारे रिटायर नहीं होने वाली करीना कपूर के 20 इयर्स पूरे होने पर उनके कुछ बेहतरीन रोल्स को याद करें तो उनमें रिफ्यूजी जब वी मेट अशोका ओमकारा चमेली रावण एजेंट विनोद बजरंगी भाईजान थ्री इडियट्स और उड़ता पंजाब शामिल हैं। करीना बॉलीवुड की उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जिन्होंने हर तरह के रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें मिली है सबसे ज्यादा सफलता करीना की लास्ट रिलीज फिल्म गुड न्यूज को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और उनकी अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो है आमिर खान के साथ उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा साथ ही सोशल मीडिया पर सोनम कपूर करिश्मा कपूर एंड रिया कपूर हेल्ड बेबोज जर्नी देखिए सेलेब्स ने बेबो को किस अंदाज में किया विश फॉर कंप्लीटिंग 20 इयर्स इन फिल्म इंडस्ट्री वेल बेबो को इंडस्ट्री में 20 साल कंप्लीट करने पर वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर फॉर दिस बिग अचीवमेंट फर्स्ट जुलाई रिया चक्रवर्ती के लिए हर साल लेकर आता है ढेर सारी खुशियाँ क्योंकि आज के दिन ही रिया सेलिब्रेट करती हैं अपना बर्थडे लेकिन रिया इस साल अपने 28th बर्थडे पर नहीं कर रही कोई भी सेलिब्रेशन आखिर रिया के सबसे करीबी सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे रिया इज अ फन लविंग बबली गर्ल और हर साल वो अपना बर्थडे धूमधाम से मनाती हैं लास्ट ईयर ही रिया ने अपना बर्थडे रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत के साथ सेलिब्रेट किया था रिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ थी और रिपोर्टेडली इसी बर्थडे पर रिया को सुशांत ने दिया था एक पेंडेंट गिफ्ट के तौर पर अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए रिया ने कैप्शन लिखा था ग्रेटिट्यूड हैप्पी हैप्पी टू मी सो मच एक्साइटमेंट टाइनी ग्लिच इन दिस वीडियो यही नहीं न्यूज ये भी आई थी कि अपने खास बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रिया और सुशांत लद्दाख गए थे
These are definitely really happy memories of Riya Chakrabarty, जिन्हें वो हमेशा याद रखेंगी। रिया चक्रवर्ती की जर्नी पर नजर डालें तो रिया का जन्म एक बंगाली फैमिली में 1 जुलाई 1992 को हुआ था। रिया के फादर एक आर्मी ऑफिसर थे, यही वजह है कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग अंबाला के आर्मी स्कूल से पूरी की। वहीं रिया ने ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी शुरुआत एक वीजे के तौर पर की, जिसमे उन्हें मिली काफी ज्यादा सफलता। वहीं अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत रिया ने साकिब सलीम के साथ फिल्म मेरे डैड की मारुति से की, जिसके लिए रिया को मिले काफी प्रेसेस। रिया ने बॉलीवुड में अब तक 7 फिल्म्स में काम किया है और उनकी लास्ट रिलीज जलेबी के लिए उन्हें काफी सराहा गया था। No, I'm not sleeping. I'll fool you. रिया बॉलीवुड में अभी भी अपने लिए जगह बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन अपने करियर के बीच में सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने से रिया को लगा है एक गहरा सेटबैक। लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिया इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस लॉस। रिया चक्रवर्ती के लिए ये बर्थडे भले ही ज्यादा खुशियां लेकर नहीं आया, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स का साथ इस खास दिन पर रिया को डेफिनेटली देगा हिम्मत। Coming up on the show, क्या कार्तिक आर्यन स्टारर 3D एक्शन फिल्म चली गई है ऑन होल्ड? I've been wanting to do an action film for the longest time, and I think. And yeah, Om Sir's movie is going to be my first action film, which I'm going to be doing How next. How cool is that? Yeah, I have to prep a lot for it. So let's see. Kartik Aaryan ki 3D action movie ko dal diya gaya hai hold par. Reportedly, Bhool Bhulaiya ke baad, Kartik jis action film par kaam karne wale the, makers ne filhaal is film par kaam shuru nahi karne ka liya hai faisla. लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि मेकर्स फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करके जरूर इस फिल्म को दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। कार्तिक आर्यन ने फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की सक्सेस के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत के साथ इस फिल्म पर काम करने का लिया था डिसीजन। ये एक एक्शन फिल्म है जो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी शूट होनी है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से अब्रॉड में शूटिंग के प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस फिल्म को अब होल्ड पर डाल दिया गया है। इस फिल्म से जुड़े सोर्स का कहना है, We are doing it film later. It is on hold because the film involves a lot of foreign shoot and we can't shoot abroad. The team was to shoot in Hong Kong, but it can't happen due to pandemic. We are figuring out what to do. There were other places also. It is a cutting-edge action film. Film से जुड़े सोर्स का ये भी कहना है कि डायरेक्टर ओम राउत और कार्तिक आर्यन दोनों ही इस एक्शन फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे। They both, Aryan and Raut, are committed to the film. They want to make the film. The team will have to change the script because it is not possible to shoot in Hong Kong. वैसे ये कार्तिक आर्यन की दूसरी फिल्म है जो इस पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हुई है। इससे पहले कार्तिक की मच अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग को भी पैंडेमिक की वजह से रोकना पड़ा था। वैसे जहां तक कार्तिक आर्यन की आने वाली बाकी फिल्म्स की बात करें तो ही विल ऑल्सो फीचर इन द मच एंटिसिपेटेड सीक्वल टू 2008 ब्लॉकबस्टर दोस्ताना। The film is to be directed by debutant filmmaker Colin D'Acuna and produced by Karan Johar, will also star Janhvi Kapoor and newcomer Laksh Lalwani in the lead. ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक कार्तिक अपनी फिल्म्स की शूटिंग को रिज्यूम कर पाएंगे।